हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओके क्रेडिट में। मैं तमन्ना एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो सदा बहार है, मतलब 12 महीने चलता है। अगर हर कोई खाना खाता है, हर कोई सब्जियां खाता है, तो ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा। तो आप जान गए होंगे कि मैं किस बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ। वह सब्जियों का बिजनेस, लेकिन उसको आप ऑनलाइन कैसे लेकर जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उसके कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए किस तरह के वीडियोज आप और देखना चाहते हैं बिजनेस को लेकर। इसके अलावा आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि अगला वीडियो आपके आइडिया पर हम पोर्ट्रे करेंगे। तो सब्जियों का बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह की कोरोना की महामारी से हम लोग गुजरे हैं पिछले एक साल में, सब चीजें ऑनलाइन हुई। और ग्रॉसरी एक ऐसी चीज थी, ग्रॉसरी मेडिसिन जो बिल्कुल ही मैंडेटरी चीजें हैं जिसके बिना नहीं रहा जा सकता, उन चीज़ों पे किसी तरह का कोई भी ऐसा था कि प्रोडक्शन उसकी कम नहीं हुई। और क्योंकि प्रोडक्शन कम नहीं हुई, लोग रोज़ खरीद रहे थे, लेकिन हाँ परहेज़ कर रहे थे बाहर जाने से क्योंकि लॉकडाउन था। लेकिन ऑनलाइन हर किसी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तहे दिल से सराहा। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों के लिए आप सब्जियों का ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, देखिए ज़रा गौर से। अपने व्यवसाय को रजिस्टर करें, ये आपके ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप एक व्यक्ति हैं, आप अपने बिजनेस को एकल स्वामित्व के तहत पंजीकृत कर सकते हैं, या अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो साझेदारी पंजीकरण का विकल्प चुन सकते हैं। पंजीकरण और GST औपचारिकताओं को पूरा करने में मदद के लिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त कर सलाहकार या फिर चार्टर्ड अकाउंट की मदद ले सकते हैं। एक बार पंजीकरण औपचारिकता पूरी हो जाती है तो आप किसी भी बैंक में बिजनेस खाता खोल सकते हैं। प्रोपराइटर के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। व्यवसाय के सफल संचालन के लिए बुनियादी कदम, अपने ग्राहक को पहचानें। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले अपने ग्राहकों का चयन करें, क्योंकि आप जिन ग्राहकों तक पहुंचना चाहते हैं उस तक यदि आसानी से पहुंच जाते हैं तो ये आपके व्यापार के लिए अधिक लाभदायक रहेगा। सही स्थान की पहचान करें, इस बिजनेस को सही जगह पर खोलें। इसके लिए आपको सही जगह का चयन करना होगा। ये देखना होगा कि जहां आप अपनी शॉप खोल रहे हैं वहां और कितनी दुकानें हैं, आपकी प्रतियोगिता किन किन से है, आदि बातों को ध्यान में रखते हुए आपको जगह को चुनना होगा। स्टाफ को मैनेज करें, आप अपने वहां जो स्टाफ रख रहे हैं वो कितने ट्रेन हैं, उन्हें कितना ट्रेन करना है जिससे वो अच्छे से कस्टमर को मैनेज कर सकें, इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। मार्केटिंग करने वाले कर्मचारियों को अलग से ट्रेन करना होगा। ओके क्रेडिट आपके लिए लाया है ओके स्टाफ, एक ऐसा ऐप जिसके जरिए आप मैनेज कर सकते हैं अपने स्टाफ की सैलरी और अटेंडेंस बहुत ही आसानी से। ओके स्टाफ काफी सारी लोकल भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु आदि। ये ऐप 1 लाख से ज्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला है और पूर्णतः भारत में निर्मित ऐप है। अधिक जानकारी के लिए देखें और डाउनलोड करें इसे गूगल प्ले स्टोर से। ओके स्टाफ ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑनलाइन सब्जी व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ आवश्यक बातें। पहला, ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है एक वेबसाइट बनाना। दूसरा, वेबसाइट का एक अच्छा सा नाम रखें जिससे आपके व्यवसाय की पहचान हो सके। तीसरा, अब आपको इस वेबसाइट पर अपनी सब्जियों की फोटो अपलोड करनी होगी जिसे देखकर लोग आकर्षित हों और आपकी सब्जियां खरीदें। फोटो अच्छी क्वालिटी की और क्लियर हो, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले। सब्जियों के रेट कैसे तय करें, सब्जियों के रेट रोजाना अपनी वेबसाइट पर अपडेट करना जरूरी है। आपकी सब्जियों का रेट मार्केट में कम होना चाहिए, तभी लोग आपसे सब्जी खरीदना चाहेंगे। रोज रेट्स को बिना देरी के अपडेट करना जरूरी है। बिजनेस के टर्म एंड कंडीशन, बिजनेस की वेबसाइट पर अपने बिजनेस के टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताएं, जैसे आप कितने रुपए में ऑर्डर पर होम डिलीवरी देंगे, या अगर कोई ऑफर हो तो उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। कोई छूट या ऑफर देने से और लोग आपके बिजनेस में आकर्षित होंगे। मार्केटिंग, कोई भी बिजनेस तब भी सफल होता है जब उसके बारे में पूरी जानकारी लोगों को हो। इसके लिए आपको अपने बिजनेस और अपनी सब्जियों का प्रचार करना होगा। सब्जी डिलीवरी करने जा रहे वाहन पर अपने बिजनेस की वेबसाइट का प्रचार कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पैम्फलेट भी छपवा सकते हैं जो आप पूरे शहर में बंटवा सकते हैं। ऑनलाइन सब्जी व्यवसाय के लाभ, कुशलता से बिजनेस होगा मैनेज। ऑनलाइन ऑर्डर किए जाने के साथ कम लोगों को फोन का जवाब देने की आवश्यकता होगी। कर्मचारी अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। समय पर कस्टमर को सर्विस देने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। तेज और सुविधाजनक, ग्राहकों को अब कतार में इंतजार करना या फिर फोन पकड़ बनाने की जरूरत नहीं है। वो बस आपकी साइट पर जाते हैं, आपका मेन्यू ब्राउज करते हैं, अपने पसंदीदा प्रोडक्ट का चयन करते हैं, कुछ ही क्लिक में प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हैं। इन बातों का रखें ध्यान,
आप अपनी सब्जियों पर कुछ ऑफर दे सकते हैं, जैसे किसी महंगी सब्जी के साथ सस्ती सब्जी फ्री, इससे आपके बिजनेस की सेल बढ़ेगी। जो भी सब्जी बेचें वो बिल्कुल ताजी और अच्छी हो, सब्जी एकदम फ्रेश हो, क्योंकि बासी या खराब सब्जी कोई नहीं खरीदेगा। ऑर्डर की डिलीवरी टाइम पर करें, लेट होने पर रिफंड का भी ऑफर रख सकते हैं, इससे भी लोग प्रभावित होते हैं। जो ऑर्डर डिलीवर हो रहा है उससे अच्छे से पैकेट्स में पैक करके भेजें, ताकि वो देखने में प्रेजेंटेबल लगे और कस्टमर का मन खुश हो जाए। सबसे जरूरी, अपनी वेबसाइट पर पेमेंट का प्रोग्राम जरूर रखें, ताकि ऑनलाइन पेमेंट हो सके। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप अपनी वेबसाइट के बारे में शहर के छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स को जानकारी दे सकते हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। निष्कर्ष, सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिग बास्केट को लाखों ग्राहकों की संतुष्टि की समीक्षा और विश्वास मिला है। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मार्केटिंग स्कीम और सप्लाई सिस्टम था। तो देखा आपने, इतना मुश्किल नहीं है ऑनलाइन कोई भी बिजनेस लेके जाना, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स थे, कुछ कह सकती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे आपको रूबरू होना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जगह कैसी होनी चाहिए, किस तरह की सब्जियां आपको रखनी है, कैसे रखनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आप टारगेट कर सकें। तो ये तमाम पहलू कोशिश की है हमने इस वीडियो के ज़रिए कवर करने की। फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ आपको समझ ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जवाब ज़रूर देंगे। नमस्कार। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।